पंजाब में वोटिंग का समय करीब आता जा रहा है। 20 फरवरी को राज्य की सभी सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए चुनाव प्रचार 18 फरवरी को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब 72 घंटे से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बीते दिनों पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए पंजाब पहुंचे थे, तो आज बीजेपी और उसके सहयोगियों के प्रचार की कमान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल ली थी, लेकिन पंजाब पहुंचते ही नड्डा मुश्किल में फंस गए। दरअसल पंजाब में किसान आंदोलन विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बना हुआ है और किसानों के गुस्से ने बीजेपी नेताओं की चिंता और भी बढ़ा रखी है। भले ही मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया हो और किसानों की कई मांग मान ली हो, लेकिन किसानों की मांग पर अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई है, जिसके बाद से ही किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज पंजाब की मंडी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली थी, लेकिन नड्डा का रास्ता किसानों ने रोक लिया। किसानों ने भटिंडा के मोड़ मंडी में हंगामा कर दिया। नड्डा को भटिंडा मोड़ रोड पर संत फतेह सिंह कॉन्वेंट स्कूल में बनाए गए हेलीपैड पर उतरना था, जिसके बाद सड़क के रास्ते रैली स्थल पर जाना था, लेकिन किसानों ने रैली स्थल को जाने वाले रास्ते पर ही धरना देना शुरू कर दिया। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। किसानों के कड़े विरोध के चलते जेपी नड्डा को अपना रास्ता बदलना पड़ा। आनन फनन में नड्डा को दूसरे रास्ते से ले जाया गया। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी की रैली को तो नहीं रोकेंगे, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट जरूर खड़ी करेंगे। किसानों के तेवरों को देखते हुए ये साफ है कि बीजेपी के लिए पंजाब की राह बेहद मुश्किल हो गई है और इसका असर यूपी में भी दिखाई दे सकता है। आगामी 20 फरवरी को कांग्रेस शासित पंजाब की सभी सीटों पर और बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की 49 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में अब सभी दलों ने इन राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। यूपी में मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच माना जा रहा है। पहले दो चरणों में दोनों ही ओर से अपनी जीत के दावे किए गए। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड और अवध में चुनावी रैलियां की। रायबरेली पहुंचे अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों ने पहले भी राशन दिया था, जब तक सपा की सरकार है हम अपने गरीब भाइयों को राशन देंगे। इसके साथ ही हम एक साल में सरसों के तेल के साथ साथ दो सिलेंडर भी देंगे और गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उन्हें एक किलोग्राम घी भी दिया जाएगा। अखिलेश ने गरीबों को अपने पोल में करने की कोशिश की तो बीजेपी के प्रचार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। अमित शाह आज कानपुर औरैया पहुंचे और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही अखिलेश यादव पर भी तंज कसने से नहीं चूके। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती को भी आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा बहन जी और बबुआ दोनों के शासन में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई थी, लेकिन योगी राज में ये तेजी से आगे बढ़ी है। अमित शाह के अलावा सीएम योगी आज फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। सिर्फ यूपी में ही नहीं, पंजाब में भी आज सियासी पारा अपने चरम पर रहा, जहां आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी ने चुनावी हुंकार भरी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं जब भी मुंह खोलता हूं सोच समझ कर बोलता हूं, झूठे दावे और वादे बीजेपी करती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सच्चे वादे करती है, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हालांकि दावा तो सभी पार्टी कर रही है, लेकिन किसके दावे कितने सही साबित होते हैं और किसकी बनती है सरकार, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर 28 फरवरी और 5 मार्च को मतदान होगा। राज्य में बीजेपी की सरकार है। 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनी, लेकिन चुनावों के बाद बीजेपी की रणनीति कांग्रेस पर ही भारी पड़ी और पार्टी ने चुनावों में हार कर भी सरकार बना ली। अब चुनावों में कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली करते हुए कहा कि बीजेपी की नीति बस अपने 2-3 बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। बीजेपी ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अनदेखा किया है। इसके साथ ही प्रियंका ने मणिपुर में कांग्रेस के चुनावी एजेंडे का भी खुलासा किया है। मणिपुर में अब सपा का जबरदस्त विरोध हो रहा है। राज्य की बीजेपी सरकार भी इस कानून के खिलाफ है, लेकिन केंद्र में अपनी ही सरकार के चलते वो अब सपा का विरोध नहीं कर पा रही है। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। कांग्रेस ने मणिपुर में सत्ता में आने पर अफसपा को तत्काल और पूर्ण रूप से हटाने के लिए जोर देने का वादा कर इस मुद्दे को और भी चुनावी हवा दी है। बता दें कि अफसपा सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देता है, लेकिन कानून से प्रदेश का एक बड़ा वर्ग नाराज है और ये नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है।